मारवाड़ के बीच में तो नगरी झोटड़ा गांव, राम रतन सुत लाडला तो हरि राम है नाम। प्रेमी सजनों सुनने की बात है, मारवाड़ के बीच में एक जोरड़ा नाम गांव, राम रतन जी दाना ब्राह्मण के दो लड़का, बड़ा को नाम मांगे लाल, छोटा को नाम हरि राम। एक आत्मा राम कर महात्मा भी नगरी माया जी आज अठे वजन त्रिका सुब अठे भी बाजी। जी टाइम हरि राम जी ने पांच चार साल का ही बतावा हा। वे भी चला जा ही रात की 12-2 बजे तक सत्संग करी, बाबा जी सब ने प्रसाद दियो, ले ले प्रसाद आपके घर चला जा ही। हरि राम जी बैठे बैठे रहेगा, बाबा जी मन में सोचे टाबर है प्रसाद पांती को लालच में बैठा रह गया। पूछने लग गया, बेटा तेरा गांव का सारा घर गया, बोला तू ठे गया बैठे है? बोले बाबा जी मन चेलो मोड़ लियो, और मेरे गांव में श्याप घोरा को बहुत ज्यादा उठावे, तो कोई जाड़ो मंत्र भी सिखा दो। मेरे गांव की परेशानी जग मैं थाने बताऊ हूँ। देखा तो के हरि राम जी कमर के आत्मा राम जी सुन है, धुंधलिए धोरा में गरु मेरा काली नागन डोले, अरे फोगा में गरनावे बरने बांडली। फिर के हरि राम जी कमर के आत्मा राम जी सुना टेढ़ा डंक लगावे, अरे ढेर तो फैला दे सारा शरीर में। हे गुरुदेव, और श्याप झोरा को जाड़ो मंत्र लाग जाए, बांडली को वही को नहीं लागे। आत्माराम जी केवल आ गया, बेटा तेरा गांव कान खेदे क्यों सुदियां घर आ जाए, कया की चांदन चांदन श्याप झोरा सारा नजर आ जाए।
तो फिर के हरी राम जी कंवर के आत्मा राम जी साथ बड़ा खराब है। अरे सूता में पी जावे बेरी एक गुरुदेव बोले और साहब झोरा को जाड़ो मंत्र लाग जाए बांडली को वही को नहीं लागे लागे। आत्मा राम जी केवल लगे बेटा ई जा रहा मंत्र का बोले 88 जप है एका। बोले बाबा जी 84 तो मेरे याद है बस चार और कौन साझा थे मने बता दो तो के कहा है देखा तो खेजे छोरा हरिया अरे भक्ति तो करजे भगवान की खेर के आत्मा राम जी कवन के हरी राम जी
बोलिया रहे पड़सी जुग में कमारो छोरा हरिया बोले अपन के ब्याह कोनी करावा। बोले बेटा ब्याह में करावण से कमार पुनु कोनी माने गियो ब्रह्मचारी को पालन है राखने से। एक बात और है बेटा बोले कोई जाति पाति को भेदभाव मत राख जे सब ने एक समान है समझे राख जे। हरिराम जी बोला ठीक है गुरुदेव जो बात की सरी मेरे मंजूर है। एक दिन कोई बुलाए थे घर जागरण हो ढोलकी डुगडुगी सुनी रही राम जी ठे चले जाही रात ने चोखी चाय पी चोखी बीड़ी पी सुबह ले प्रसाद चालन ला गया चुगलियो सजनो चुकिया को निक्रिया कर है बिल्कुल। हरे राम जी को बड़ो भाई मांगे लालो दिन बोले यार तेल लो भाई इधर बिगड़ चुकियो। बोले के बात है बोले रात ने बड़ा लगना चाय बीड़ी मजे करो हो सामने मांगीलाल जी मिल गया पूछन ला गया बोले भाई अकटे गयो हो जना झूठ क्या तई बोला नहीं काय काम हो झूठ बोलवाना। बड़ाए के जागरना में गयो रे बेटी का बाप आपा ब्राह्मण कही जान बड़ाए के जागरना में जाया जो तो के मांगीलाल जी कंवर के हरिराम जी सुन है छोरा हरिया छोड़े घर में जब छोटे छोरा हरिया रे राम तो कही डरे चोड़े घर में जानू छोड़ छोरा हरिया आपा कही जा बोले कुल में ब्राह्मण अरे बेटी का बाप आपने बोले कुटुंब का घड़ा ने नीचो उतार देसी यानी न्यात बारे कर देसी। हरे राम जी बोले भाई तेल ने घड़ा ने ऊंचो मेल ने वाला तो चाहिए नीचो ही मेल दे में तो इया यावा ला रही है जवाला तो एक गांव का छेड़ लेना के जोर से मैं बालाजी को स्थान से चले हैं आर बैठे आपका झोपड़ती सी बांध ली दूफियो खेमर मजा है। एक दिन कोई हरिराम जी का काका का लड़का के पान लाग गया है यानी दूसरा गांव में कोई जड़ा मंत्राल हो बुला न जाए हरिराम जी का नोख निकलिया बैठा है बोलो काका जी खटे जाओ हो मन में सोचे भाई टोक दियो टोकेड़ो काम होया को निकलिया कर है पाछा है मुड़ जाए थोड़ी देर मन में सोचे अब तो दे हटिन उग चूक ओयो लो फिर चाल रहा हूं तो माने कौन सी ड्यूटी देनी मेरा सिर बैठे चार बैठो क्या बोला क्या बोलो काका जी बात कही है आज यहाँ तात दूध बिलाई फिर जिया किया फिरो हो आओ हो जाओ हो मन में सोचे भाई सांची के हम ना जान दे को नहीं क्या बोला क्या तेरा भाई के पान लागो तो कोई जाड़ा मंत्रा ना बुलावा हरे राम जी बोला काका जी मैं कहूं जी की सुनो थे तो के हरिराम जी कंवर के भी काका जी सुना है जा
पिल्ला देता था दूध में भाई रे ओ भोले तो पिल्ला देता था दूध में ओ हे राम जी लवे धाम जरा हाथ टुकड़ा ये जावे हे जी हे तो सी जिले धाने जरा हाथ टुकड़ा तो कच्चे जावे हे जी प्रशंसा करवा लागे मोटेरो कोई के भी पान लाग जाए तो खे जाने की जरूरत ही कोनी। एक दिन गांव का खड़ा वर के बला गया हरिराम जी ने एक मंदिर तो बनवा यार झोपड़ी में गडोलिया वर बड़े हरिराम जी बोले थारे मंदिर की लाग रही है रोटिया का सांसा पड़ रहे हैं। एक दिन गांव के बीच में हरिराम जी खड़ा वर के बला गया आज से एक साल बाद में सिरोई गांव में एक तारा चंद नाम सेठ है सेठ का लड़का को नाम महेश है भी के पान लागलो पान भेजा डाला और बोठे भगवान को मंदिर बनावलो प्रेमी सजनो भगवान के दया से सेठ का लड़का कोई पान लाग जा है सेठ भी सब हो कई डॉक्टर वैद्य कई बुला लिया जता भी देव देवता मनाना जता मना लिया लेकिन कोई फर्क को नहीं पड़ियो। एक दिन गांव कनकेसरा का वो स्थान हो सेठ भी ने भी मनावे है सेठ केसरिया कंवर जी ने वो फाजी ने सेना मना लिया लेकिन महेश तो आंख खोल ली कौन ये सेठ का बेटा की बहू ले पानी को घड़ो कुआं पर पानी लाने जाए एक नए की छोरी यानी जोरड़ा की सिरोई में ब्याड़ी वाबी बैठे पानी लेने आ जाए जीगर में डूब जाओ बैठे उदास रिया करें खुशियाली को निरवे
सेठ का बेटा की बहू ने उदास देख वो पूछने लगी, बोले भाण तो आज अतरी उदास क्या है, बोला तेरे उदास की लाग रही है, मान तू तो बने दिन तीन होगा मेरा पति के पान लागो ले वो जति भी उपाय करनी जति कर ली, लेकिन कोई फर्क कोनी पड़ो। बाबी ने कहने लगी भाण मेरा पीर में एक हरिराम नाम ब्राह्मणा को लड़को है, अगर वो सगत सठा जा तेरो पति जरूर बैठो हो जाए। सेठ का बेटा की बहू ले पानी को गड़ो जल्दी से आपके घर आवे है, के आपका सुसरा ने कवर काई सुसरो भी की सुना की सुन जो ससुरा महाराज जी, एक नए की छोरी ने बोलिया बोलना, बोली नगर जोड़े जाओ ससुरार हरिराम जी ने थे बेगाई लाओ। प्रेमी सजनों जो कुआ में पड़ जाए वो त्यांतना का हाथ गले ही करा है, शेठ आपका बेटा की बहू की बात सुनते रह गजा रुपया गाल जेब में और जोड़ा का निरमाना हो जाए है। सेठ चालता चालता वो एक कुआ नजर आवे, मन में सोचे भी कुआ से पूछा खटियारी राम जी रिया करें खटिया को स्थान है राजी। अरे बीज तो बेचाला महंगा बाबका, जाय सेठ कुआ से रामा क्षमा कराओ सेठा के सलाह, कोई बीज बात खरीद लो है के नहीं, बोले बीज मारे तो ओरी हो रहे हैं। बोले गांव कौन सा है, बोले गांव तो शिरोई है, बोले ना बोले तारा चंद, बोले शेर तो आज हरियाणो आए गयो पूछवा ला गया, बोले शेर कहा तेरा बेटा की बहू को के नाम है, बोले भाई ज्ञानवती नाम है, बोले सेठ तेरी बहू को के नाम जना सेठ चढ़ गो, मेरा सुरा कोरा बीनने का नाम पूछे आतो को नहीं, भाई के दुख साए है कहीं बात है राजी। तो सेठ ने झाला जाए कहीं सेठ कवर के कुवाड़ा सुने हैं